भारतीय समाचार, मैं हूं अलका आपके साथ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आइए रुक करते हैं आज की खास खबर। आम की सदाबहार किस्म विकसित करने वाले सुमन कहते हैं कि सोना जितना तपता है उसमें उतना निखार आता है। इस बात को ध्यान में रखकर राजस्थान के कोटा जिले के उन्नत कृषक वैज्ञानिक श्री किशन सुमन ने 20 साल की साधना के बाद सदाबहार नामक आम की ऐसी प्रजाति विकसित की है जो साल भर हर मौसम में फल देती है। श्री सुमन का सदाबहार आम राष्ट्रपति के मुगल गार्डन की भी शोभा बढ़ा रहा है। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है। परंपरागत से ग्राफ्टिंग तकनीक तक मूलतः कोटा जिले के ग्राम गिरधरपुरा के निवासी 53 वर्षीय श्री किशन सुमन ने कृषक जगत को बताया कि वे पहले परंपरागत खेती करते थे। प्राकृतिक प्रकोप के कारण प्रभावित हुई फसलों की कम कीमत मिलती थी तो मन व्यथित रहता था। दैनिक आमदनी बढ़ाने के लिए सब्जियां भी उगाई, आय भी अच्छी होने लगी, लेकिन संतोष नहीं मिला। फिर फूलों की भी खेती की। अंग्रेजी गुलाब की ग्राफ्टिंग तकनीक से ऐसी किस्म तैयार की जिसमें एक ही पौधे पर 4-5 रंग के फूल आने लगे, लेकिन मन को ऐसा लगता था कि अभी तक वह नहीं मिला जिसकी चाहत है। फिर इस ग्राफ्टिंग तकनीक को फलों पर आजमाने का विचार आया और इसके लिए आम का चयन किया। चूंकि आम की फसल के उत्पादन में 1 वर्ष का अंतराल रहता है, जबकि खर्चा तो यथावत रहते हैं, यह सोचकर इस समस्या का समाधान करने के लिए आम की अलग अलग किस्म की गुठलियों को एकत्रित कर लगाते रहे। मात्र पौधों के साथ कुछ ग्राफ्टेड पौधों से नए पौधे तैयार करते रहे। ग्राफ्टिंग में बुजुर्गों का अनुभव तो काम आया ही। सीकर के किसान वैज्ञानिक श्री सुंदराम वर्मा के संपर्क में आने के बाद बहुत सुधार हुआ। सदाबहार नामकरण और विशेषताएं श्री सुमन ने केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ को व्यक्तिगत रूप से दी तो पता चला कि वहां ऐसी कोई किस्म नहीं है जो साल भर फल दे सके। 1998 में श्री सुमन ने राष्ट्रीय नव परिवर्तन प्रतिष्ठान अहमदाबाद में आवेदन देकर इसके परीक्षण का आग्रह किया। बेंगलुरु से आए वैज्ञानिकों ने भी नमूने लिए। सदाबहार के छोटे पेड़ों पर फलाना शुरू हो जाते हैं, पकने पर नारंगी और काटने पर केसरिया निकलता है। एक फल का वजन 200-350 ग्राम तक रहता है। यह फल हर मौसम में फल देता है। इसका उत्पादन तो अधिक मिलता ही है, मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसकी प्रतिरोध क्षमता भी अच्छी है। आम अनुसंधान केंद्र लखनऊ के हितेशियों ने जब इस पौधे न बेचने और इसका पंजीयन करवाने की सलाह दी, इसके बाद कृषि मंत्रालय नई दिल्ली में इस किस्म का पंजीयन करवाया। श्री सुमन सप्ताह में एक बार अपने यहाँ आयोजित निःशुल्क आवासीय शिविर में स्थानीय और अन्य दूर दराज से आए किसानों को इस तकनीक का मार्गदर्शन भी देते हैं। श्री सुमन ने बताया कि मार्च 2017 में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में सदाबहार आम की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका राष्ट्रपति ने अवलोकन भी किया था और 4 पौधे वहां लगाए भी गए थे। सुमन का सम्मान। श्री किशन सुमन को वर्ष 2016 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें 50,000 रुपये की नकद राशि प्रदान की गई थी। 2018 में पैसिफिक विश्वविद्यालय उदयपुर और भारतीय किसान संघ द्वारा खेतों के वैज्ञानिक सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2019 में प्रतिष्ठित महिंद्रा समृद्धि एग्री अवार्ड्स के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 2,11,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की गई। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल और OCP फाउंडेशन मोरक्को ने भी जयपुर में सम्मान प्रदान किया। रिपोर्ट RPS समाचार। मियांगंज को मायागंज होने से पहले जाने यहां का इतिहास। 250 साल पहले इस शख्स ने बदला था नाम। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां जनसभा में कहा था
कि अगर सरकार बनी तो मियांगंज का नाम बदलकर मायागंज कर दूंगा। सरकार बनने के 4 वर्ष बाद क्षेत्रीय विधायक बंबालाल दिवाकर ने 31 जुलाई को डीएम को पत्र लिखा। उन्होंने पूर्व के नाम का जिक्र करते हुए मियांगंज का नाम बदलकर मायागंज या भूपतखेड़ा करने की मांग की। डीएम ने मंगलवार 24 अगस्त को मियांगंज का नाम बदलकर मायागंज करने का प्रस्ताव अपर सचिव पंचायती राज को भेज दिया। वर्ष 1771 में बदला गया था नाम, जिस मियांगंज का नाम बदलकर मायागंज करने की कवायद शुरू हुई है। उसका नाम दस्तावेजों में पहली बार वर्ष 1771 में नाम बदला गया था। 250 साल पहले अवध के नवाब असरफुद्दौला के वित्त मंत्री मंगलामुखी किन्नर मियां अलमास अली खान ने इसका नाम मियांगंज रखा था। पहले इसे भूपतपुर के नाम से जाना जाता था। विकिपीडिया पर इसका जिक्र है। सहायक जिला सूचना अधिकारी नव प्रभात रंजन ने बताया कि विकिपीडिया ने उन्नाव NRC नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को लिंक किया है। इसकी सूचनाएं सही होती हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसे फीड नहीं किया जाता। ग्राम पंचायत में ही ब्लॉक और CHC मियांगंज, ग्राम पंचायत में ही ब्लॉक मुख्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC व अन्य सभी सुविधाएं हैं। ग्राम पंचायत का नाम बदलते ही पूरे ब्लॉक का नाम मायागंज हो जाएगा। पूर्व प्रधानाचार्य विवेकानंद इंटर कॉलेज मियांगंज उषा अवस्थी कहती हैं कि हम सब ग्रामवासी ग्राम प्रधान के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। मियांगंज के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मियांगंज का पहले नाम सरंबा निवासी भूपत सिंह के नाम पर इसका नाम भूपतपुर था, लेकिन लखनऊ के नवाब असरफुद्दौला के नज़दीकी मियां अलमास ने इसका नाम मियांगंज रख दिया था, जो हम लोगों ने पढ़ा है। मियांगंज की विशेषताएं, इस कस्बे में तोपखाना नाम से एक मोहल्ला है जिसमें तोप रखी जाती थी। हसनगंज तहसील में एक गाँव और संबंधित मुख्य सामुदायिक विकास खंड है। उन्नाव की ओर को एक अन्य मार्ग के साथ चौराहे के पश्चिम में से लखनऊ की स्थित है। आषाढ़ में एक पशु मेला आयोजित होता है। विक्रेता इस आयोजन में बेचने के लिए उत्पाद, कृषि उपकरण, मिठाइयां, खिलौने और अन्य माल लाते हैं। गांव में बुधवार और शनिवार को एक बाजार भी लगता है, जहां अनाज और सब्जियां बेची जाती हैं। आंकड़ों में मियांगंज जनगणना 2011 में आबादी 8948 2011 तक कुल घर 1575, मौजूदा समय यहां कुल घर 3780 घर, मौजूदा समय में आबादी 20,000 लगभग, मौजूदा समय मतदाता 8200, कुल क्षेत्रफल 3.195 वर्ग किलोमीटर, जिला मुख्यालय से दूरी 35 किलोमीटर, लखनऊ से दूरी 55 किलोमीटर, मुस्लिम आबादी 54%, हिंदू आबादी 46%, ब्लॉक में कुल गांव 140, कुल ग्राम पंचायतें 74। रिपोर्ट RPS समाचार। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार। दुष्कर्म के आरोपी बसपा सांसद अतुल राय के सहयोग देने का आरोप, मऊ के सांसद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर फर्जीवाड़े का केस दर्ज किया गया था। इसी केस में युवती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसे लेकर महिला ने पूर्व अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने युवक के साथ आत्मदाह कर लिया था। खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद अमिताभ ठाकुर को 21 अगस्त से हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। 21 अगस्त को वह गोरखपुर और अयोध्या के दौरे पर जाने वाले थे। शुक्रवार को उनके खिलाफ हजरतगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अमिताभ ठाकुर पर दुष्कर्म के आरोपी बसपा सांसद अतुल राय का सहयोग करने का आरोप है। दुष्कर्म पीड़िता और उसके दोस्त मुकदमे के गवाह सत्यम राय ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर 16 अगस्त को वीडियो बनाया था, जिसमें अमिताभ ठाकुर पर आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों ने आत्मदाह करने की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 21 मई को गवाह सत्यम राय और 25 मई को दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई। चुनाव की घोषणा के बाद किया गया नज़रबंद।
दुष्कर्म के आरोपी सांसद के सहयोग देने के आरोपी अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। 21 अगस्त की सुबह वह गोरखपुर व अयोध्या के दौरे पर निकल रहे थे, इसी बीच गोमती नगर पुलिस ने उनको नज़रबंद कर दिया। तब से शुक्रवार तक वह पुलिस की निगरानी में थे। पुलिस ने उस दौरान उन्हें कानून व्यवस्था का हवाला देकर नज़रबंद किया था। इसके बाद उनसे कई बार इस मामले में पूछताछ भी हो चुकी है। वीडियो बनाने के बाद लगाई थी आग। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आग लगाने वाली पीड़िता के साथ इस मामले का मुख्य गवाह सत्यम भी था। पीड़ित और उसके साथी ने आग लगाने से पहले वीडियो बनाया था, जिसमें दोनों ने कहा था कि वे सरकारी तंत्र से प्रताड़ित होने के बाद बुरी तरह से निराश हो चुके हैं। सांसद अतुल राय ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खूब प्रताड़ित किया। पुलिस और जजों की मिलीभगत से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से वह और उसके साथ हुई घटना का गवाह आत्मदाह के लिए मजबूर हुए हैं। पूर्व आईपीएस पर झूठे साक्ष्य तैयार करने व पीड़िता को बदनाम करने की साजिश का आरोप पूर्व आईपीएस पर हजरतगंज थाने में शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 10 नवंबर 2020 को पीड़िता द्वारा एक प्रार्थना पत्र एसएसपी वाराणसी को दिया गया था, जिसमें अमिताभ ठाकुर द्वारा आरोपी बसपा सांसद अतुल राय से रुपये लेकर न्यायालय के लिए झूठे साक्ष्य तैयार किए जा रहे हैं। वहीं पीड़िता को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, उसे आत्मदाह के लिए उकसाया जा रहा है। सांसद व पूर्व आईपीएस मानसिक व शारीरिक यातनाएं दे रहे हैं। जनपद में दो महिलाओं ने दर्ज कराई दुष्कर्म की रिपोर्ट, नवाबगंज अजगैन व सदर कोतवाली की दो महिलाओं ने पुलिस को तहरीर देकर दो लोगों पर दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो बनाकर रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। अजगैन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। खबर विस्तार से, अजगैन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसके गांव का सतीश 6 माह से शारीरिक शोषण कर रहा है। किसी को बताने पर वह जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं सदर कोतवाली की एक महिला ने बताया कि दो लोग उसे झांसे में लेकर हाईवे पर नवीन मंडी के पास ले गए और उससे दुष्कर्म किया। इस दौरान एक ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे लगातार रुपयों की उगाही की जा रही है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। रिपोर्ट ललित कुमार। बारिश के चलते भीषण जलभराव की स्थिति हुई उत्पन्न क्षेत्र के बांग रमऊ माड़ापुर मार्ग पर। ग्राम छग्गन लाल खेड़ा में बारिश के चलते भीषण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भीषण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से समस्या का समाधान जल्द कराए जाने की मांग उठाई है। बारिश के कारण गंगा कटरी क्षेत्र से संबंधित बांग रमऊ माड़ापुर मार्ग पर स्थित ग्राम छग्गन लाल खेड़ा में करीब 200 मीटर की लंबाई में घुटनों तक पानी भर गया है। जल भराव के चलते सड़क पर बने गहरे गड्ढे नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे दुपहिया वाहन सवार गिरकर घायल हो रहे हैं। इसके अलावा जल भराव के अंदर गहरे गड्ढों में फंसकर कई चौपहिया वाहन भी पलट चुके हैं, जबकि मार्ग पर भार वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। मार्ग से जुड़े करीब आधा सैकड़ा गांव के जितेंद्र यादव, प्रतिमा वाजपेयी, रामू कन्नौजिया, विजयपाल कुशवाहा, डॉक्टर दिवाकर व राकेश यादव आदि ग्राम प्रधानों ने जिला प्रशासन से मार्ग का उच्चीकरण कर जल भराव समाप्त कराए जाने की मांग की है। रिपोर्ट सौरभ कुमार। पीकू वार्ड के मुख्य द्वार पर तैयार खड़े पीपीई किट धारक कई चिकित्सक एम्बुलेंस की तरफ दौड़ पड़े। उन्नाव 27 अगस्त 108 नंबर एम्बुलेंस हूटर बजाते हुए बांग रमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। यहां पीकू वार्ड के मुख्य द्वार पर तैयार खड़े पीपीई किट धारक कई चिकित्सक एम्बुलेंस की तरफ दौड़ पड़े। चिकित्सकों ने बिजली की रफ्तार से एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला और कोरोना पॉजिटिव बच्चे का
किरदार निभा रहे बच्चे को एम्बुलेंस से निकालकर पीकू वार्ड पहुंचाया। पीकू वार्ड में बच्चे के साथ वे सभी औपचारिकताएं पूर्ण की गई जो कोरोना वायरस संक्रमित होने पर की जाती है। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए यहां CHC में ऑक्सीजन युक्त 30 बेड की व्यवस्था की गई है। CHC में ही 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपचार हेतु 7 बेड का पीकू वार्ड भी बनाया गया है। आज जिला चिकित्सालय से आए SCMO डॉक्टर सारंग के निर्देशन में पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पीकू वार्ड में त्वरित इलाज की मॉक ड्रिल हुई। मॉक ड्रिल में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर सागर व डॉक्टर दिलीप सहित सभी चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों ने भाग लिया। अंत में संक्रमित बच्चे का किरदार निभा रहे अक्षित को चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुकेश ने चॉकलेट देकर पुरस्कृत किया। आज से यहां का ऑक्सीजन प्लांट भी पूर्ण रूप से चालू कर दिया गया। रिपोर्ट सौरभ कुमार।